तस्वीरों को देखकर मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए देखती हूँ कि शायद याद कम हो जाए, लेकिन और बढ़ जाती है। दिल में एक टीस सी उठती है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मुझे अपना बचपन याद आता है, हर हफ्ते हम लोग पापा के साथ पार्क जाया करते थे। मेरी बहन सुमृद वहां हमारे साथ बहुत एंजॉय किया करती थी। मैं कामों से जान छुड़ाने के लिए अम्मी को बहुत तंग करती थी। मेरे भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, मेरे साथ खड़े रहते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन अब देखें, मेरे सब घर वाले मुझसे कितना दूर हो गए हैं। मेरी बच्ची सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाई थी, आखिरी बार बाबा के गले भी नहीं लग सकी। और अपनी छोटी बहन सुमृत को मैं प्यार भी नहीं कर पाई। चलो तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। आपको खुशामदीद कदर बहन। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल छू लिया और मैं इसीलिए आई हूँ ताकि तुम और जिहान अकेले न रह जाओ। शुक्रिया, जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जल्द पता चल जाएगा। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काफी कंपनी से बात की है, बस अब वेट कर रही हूँ। और जहां तक मीडिया की बात है तो मेरे कुछ ताल्लुकात हैं उनसे पहले ही बात कर चुकी हूँ मैं। इस हवाले से मैंने भी कुछ कंपनी से बात की है। अगले हफ्ते मीटिंग रखते हैं और फिरहाल भी साथ होगा हमारे। बारान को इस बारे में बताए बगैर बिल्कुल नहीं। अम्मी, क्या आपको लगता है कि उसे कारोबार की परवाह भी है? उसे सिर्फ हमारे दुश्मन की बेटी से गरज है। वो भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन बारान अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। जो जरूरी होगा वो उसे जरूर अंजाम देगा, और बारान के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सुम क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कह सकते हैं सब ठीक है। नेकलेस उतार दिया तुमने? वो मैं, असल में बात यह है। अच्छा किया तुमने, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मसला हो जाए। बाबा, मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, खैर से जाओ बेटा। दो घंटे में आ जाऊंगा।
हाँ बाबा, अगर आप चाहें तो घर छोड़ दूं मैं आपको। बहुत थक गए होंगे आप, थोड़ा आराम कर लें। ये वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा, काफी थकन हो रही है मुझे। चलें आ जाएं फिर। बेटी मैं भी घर जा रहा हूँ, दुकान तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? जिवदे 2 घंटे में वापस आ जाएगा। इस घर से किसी ने वो वीडियो पोस्ट की थी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी अली, सिर्फ मेरे हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरे, जल्द ही मेरे पास होगे। चलो अब पता करते हैं हम कि वीडियो किसने पोस्ट की। कहीं जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं आपने बताया नहीं अभी तक। जब पहुंच जाएंगे तो जान जाओगी। कहां जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं, कुछ बताया नहीं है। आपको सब पता होता है, बताएं मुझे। नहीं मालूम, मगर गालिबन। गालिबन क्या? शायद वो दिलान को उसके घर लेकर गए हैं। क्या मतलब है, हमेशा के लिए गई क्या वो? मुझे नहीं पता दरिया साहिबा, बस अंदाजा लगाया मैंने। इसके लिए तो एक पार्टी होनी चाहिए। जेवदेत भाई, कैसी हो सुमरुत? भाई नहीं है, कुछ चाहिए तुम्हें? वापस कब तक आएंगे जेवदेत भाई? कुछ घंटे लग जाएंगे, गाड़ी लेकर गए हैं, जरूरी काम था उन्हें। क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे, तुम खुश नजर आ रही हो। सब ठीक हो गया दादी जान, हम आजाद हो गए हैं। क्या मतलब आजाद हो गए? बारान ने आखिर सही फैसला कर लिया, सांप को अपनी औकात के मुताबिक बिल में होना चाहिए। क्या कह रही हो बेटी, साफ साफ बताओ ना मुझे। बारान दिलान को उसके बाप के घर ले गया है। यकीन है तुम्हें? मैंने खुद देखा था उन्हें जाते हुए, कदर साहिबा ने भी बताया है मुझे। बारान को उस कातिल के घर में क्या काम हो सकता है? उसको
को वापस अपने बाप के हवाले करना मतलब है उन्हें माफ कर देना। आपको खुशी नहीं हुई दादी? बारान ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही है मेरी प्यारी दादी जान? आपने ही तो मुझसे कहा था कि जब से वो लड़की आई है सब बिगड़ गया है, तो अच्छा हुआ ना कि चली गई। तो क्या वो खमियाजा भुगते बगैर चली जाएगी? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, अंजाम देखे बगैर वो नहीं जा सकती। गाड़ी से उतरो। कैसी जगह है ये? किस लिए लाए हैं आप मुझे यहां? तुम्हारी फैमिली के पास लाया हूं तुम्हें, तुम्हारे अपने घर लाया हूं तुम्हें।